देखिए यहाँ की जनता अपने भविष्य को लेकर के और अपने जीवन में खुशहाली लाने के लिए और उनको पता है लोकतंत्र में एक वोट उनके जीवन में बदलाव लाने का काम करेगा। इसलिए कोई डराए धमकाए गाली गलौज करे, लोग रुकने वाले नहीं हैं। पहले भी इन्होंने कई बार प्रयास किया इस तरह का, लेकिन इस बार ये जनता का चुनाव बन गया है। हम राजीव राय जी पार्टी को जनता ने पीछे छोड़ दिया है, जनता ने खुद अपने हाथ में चुनाव ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह हार रही है। नारा राय ने कहा लेके चले थे, नारा जिक्र किया कड़ा अपने बार बार पीडीए का नारा, लेकिन उसके बावजूद भी जो बीजेपी हो या प्रधानमंत्री वो आरक्षण को लेके अलग बयान दिया करते हैं। देखिए आरक्षण को अगर किसी ने छेड़ा है और खत्म किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का आरक्षण छीन लिया और ये जो तमाम चाहे वो आपके घोसी वाले प्रत्याशी हों, काशी वाले प्रत्याशी हों, इन्होंने सबने आरक्षण छीना है। बीजेपी के जितने प्रत्याशी हैं जो पहले मेरिट में जनरल में पिछड़े दलित और आदिवासी के बच्चे आ जाते थे, इन्होंने अपने सेक्शन में उनको रोक करके इन्होंने सही मायने में पिछड़े दलित और आदिवासियों के आरक्षण के साथ खिलवाड़ की। नारद राय ने घोसी में कहा है कि गाजीपुर, मऊ और बलिया तीनों सीटों पर 3 दिनों में समाजवादी पार्टी की 13 ही कर दूंगा, क्या कहेंगे उनके बयान को लेकर? 13 दिन बाद होती है, कहें समय बहुत कम। ना ना, 13 दिन बाद होती है, जिस दिन स्टेटमेंट दिया है उसके 13 दिन बाद है, देखना किसकी 13वीं होती है। किसको गाली दे रहे हैं? ये गाली बाजों की लोकतंत्र में कहीं जगह नहीं है। जनता अपना वोट अपने विवेक से अपनी समझ से डालेगा और ये गालीबाज लोग, ये दल बदलू लोग, स्वार्थी लोग, धोखेबाज लोग, इनका कोई चरित्र नहीं है। इनका चरित्र केवल स्वार्थ है और कभी आपके साथ, फिर हमारे साथ, फिर उनके साथ, फिर उनके साथ भी नहीं। मैं आपसे कह रहा हूँ, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, आप देखोगे सबसे पहले कौन भागेगा, कौन भागेगा? आप लोग लेंगे ओम प्रकाश यादव को? नहीं नहीं, हम तो नहीं लेंगे, लेकिन वो प्रयास तो करेंगे भागने का। ये स्वार्थी लोग हैं, इस बार जनता ने मन बना लिया है, कैसे कोई भी स्वार्थी लोगों को मौका नहीं मिलने जा रहा है। योगी जी कह रहे हैं कि आरक्षण समाप्त करने वाला है और धर्म के आधार पे मुस्लिमों को देगा। मैं अपने समझदार पत्रकार साथियों से कहूंगा कि जो अब आरक्षण व्यवस्था है, जो बीजेपी की सरकार में आरक्षण व्यवस्था लागू हुई है, उसमें पिछड़े दलित आदिवासियों का आरक्षण उन्होंने छीना है और जो 50% स्लॉट है जिसमें अगड़े ईडब्ल्यूएस हैं, तो अगर हम ईडब्ल्यूएस को निकाल दें, जो 40% का ब्लॉक है उसमें धर्म है, तो आप सोचिए अगर 40% जो ऊपर वाला आरक्षण है, अगर पहले वाली आरक्षण व्यवस्था होती तो इसमें पिछड़े दलित और आदिवासियों के बच्चे भी आते, उनको अपनी सीमा में रोक दिया है, तो आप बताइए धर्म के आधार पर आरक्षण किसने किसको ज़्यादा दिया है? तो ये बीजेपी ने जो ये व्यवस्था लगाई है, सही मायने में पिछड़े दलित आदिवासियों का आरक्षण छीना है और धर्म के आधार पे जो लोग मेरिट में आएंगे उन्हें ज़्यादा आरक्षण मिला है। तो जो लड़ाई है वो लड़ाई ये कि जो आबादी में ज़्यादा हैं उनको आरक्षण कम मिल रहा है और जो आबादी में कम है उन्हें आरक्षण ज़्यादा मिल रहा है। अरे इन PM, CM, राज्यपाल, मंत्री और कई उप मंत्री, गृह मंत्री और बिजली मंत्री, तमाम मंत्री हैं। अच्छा बिजली मंत्री से पूछो, पूरा प्रदेश अंधेरे में है। अरे सुनिए, पूरा प्रदेश अंधेरे में है और मैं आपको बता के जा रहा हूँ, क्योंकि ये चुनाव इन्होंने गर्मी में कराया, गर्मी में प्रेस को परेशान किया, हमें किया, जनता को किया, गर्मी की वजह से भी हारने जा रहे हैं। इनकी जो अहंकार की गर्मी है, ये अहंकार का जो बुखार है, इस बार जनता अपने वोट से उतार देगी। दो दिन पहले योगी जी आए थे, उन्होंने मन से कहा कि जनता डरो मत, माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं। देखिए अभी सोनभद्र के मेरे अपने पत्रकार साथी सोनभद्र की मीटिंग के बारे में आप पता कर लो, वहाँ का वीडियो मंगवा लो, फोटो मंगवा लो, सब माफिया उत्तर प्रदेश के उनके मंच पे थे और सुनने में तो आ रहा है कि सब माफियाओं को बनारस काशी लोकसभा में जिम्मेदारी दी गई है कि जाइए वोट बटोरिए, कुछ बांटिए, फिर वोट बटोरिए।